अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एनिमल पॉइंट बीक ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वीकेंड की जो है वो कवरेज करना मुझसे रह गई थी, क्योंकि फार्म की काम तो एक इस तरह थे कि जो मुझे मतलब कि भागना वगैरह पड़ा, आगे पीछे निकलना पड़ता है, ठीक है, वीकेंड्स वगैरह में। और तो ये है कि फिर मैंने मंडे का फिर ऑफिस किया, मतलब कि हफ्ते बाद फार्म पर रुका था मैं। फिर उसके बाद ये है कि मंडे का ऑफिस किया, फिर मंडे की रात फिर निकल कर फिर आया था, दोबारा फार्म आया हूँ रात में फार्म रुका था। फिर आज की सुबह है समझे, तो ये कि अब ये मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी ये है कि अल्लाह वाला करे, आज की वीडियो का जो सीन है वो ये है कि भाई बहुत लोगों ने एक रिक्वेस्ट की थी और एक मैसेज वगैरह किए हुए थे कि नुमान भाई अपने फार्म का बंडा तो दिखाएं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को जो मेरे जो फार्म पे खड़े हुए जो जानवर हैं कि जो बंडा खाते हैं वो एक आप लोगों को दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ घी की रिपोर्ट इंशाल्लाह इसी भी घी और एक और चीज़ की इंशाल्लाह तो एक सेटिंग बनेगी, वो एक आप लोगों को दिखाऊँगा हमें किस तरह देना है। और उससे अगले हफ्ते मैं जो सोच रहा हूँ, मेरी जो कोशिश है कि भाई मैं फार्मिंग के ऊपर कुछ वीडियोज़ बनाऊँ, क्या ये मुझे बनानी चाहिए, क्या एक आप लोग इन वीडियोस को पसंद करेंगे, ये एक आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अभी जो वीडियो जो बनेगी इसमें कुछ वर्ड्स यूज़ करेंगे जो ये फाज लोग एक अपने एक ना आसानी के लिए मतलब कि वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि काजू बादाम पिस्ते, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ना, तो वो एक आप लोगों को दिखा दें ज़रा, ठीक है, मज़ा आएगा आप लोगों को इंशाल्लाह इस वीडियो में। और वंडा लगाने का के जो तरीक़ाकार है तो वो एक आप लोगों को इस वीडियो में मतलब कि बहुत ही यूनिक वे में मतलब कि बंडा लगेगा, मतलब मिनटों और ना सेकंडों के ऊपर बंडा जो है वो सारा का सारा लग जाएगा, ठीक है। इंट्रो बहुत लंबा हो गया, अभी चलते हैं वीडियो जाने पर। ये देखें मेरे दोस्तों, खैर इस टाइम के ऊपर ये है कि पूरी जो खोड़ की वो कभी सफाई होगी, सफाई होकर जितना भी जो कचरा है वो सारा का सारा निकाल देंगे बच्चे, ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक है। इस तरह इस वाली खोड़ से भी सफाई होगी और इस तरह ये कि दूसरी वाली खोड़ से भी जाके सफाई होगी। यासीन अगर कि तुम ऊपर चल के करोगे ना आराम से हो जाता है, ज़बरदस्त हो गया, अच्छा लगता है, ठीक हो गया। ये देखें, वैसे तो ये है सफाई की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि बछड़ों को माशाल्लाह से, ठीक है, बंडे इतने मज़े के लगता है तो ये बंडा छोड़ते नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ यार लोग कहते हैं कि नुमान भाई आपके बंडे में फीड तो शामिल नहीं है, कोई और तो चीज़ शामिल नहीं है। मैं उन सब लोगों से एक ही सवाल करता हूँ, एक ही वो करता हूँ कि भाई अगर जिस दिन आपको अभी मेरे फार्म के ऊपर ये फीड दी जाए तो मेरे जितने भी यहाँ पर जो हैं अपने खड़े हुए जो जानवर हैं वो आप एक फ्री में दे जाएगा, तो इन सब चीज़ों का हम यूज़ नहीं करते। टोटल देसी बंडा होगा, देसी बंडे के ऊपर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक के ऊपर हमारी थीम है कि जितना मैक्सिमम वेट ले सके वो हमें करते हैं। हावी फाद जी सर, ये क्या निकाल रहे हो? ये निकाल रहा हूँ सर, पिसा हुआ खोपरा। पिसा हुआ खोपरा, पिसा हुआ खोपरा किसको बोलते हैं ये तो बता दो लोगों को। बोलते हैं हम नमक को। नमक को बोलते हो, तो नमक कितना डालोगे? बस हस्बे जायका डालेंगे, जैसे सालन में डलता है, ज़्यादा तेज भी नहीं हो। हस्बे जायका, तुम एक ऐसा बोलो कि जैसे बोली ना वो जो शेफ अगर होते हैं इसमें वो जो टीवी वगैरह के ऊपर। चलो इसको बिस्मिल्लाह करो ज़रा, वहाँ बेलचा चला लेंगे इंशाल्लाह, उल्टा ना चला दो। क्या करते हो, यही करते हो? हाँ चलो भाई, अभी ये कि यहाँ से ये सब जो है वो इस सब खोपरा, ठीक है, तुम्हारा ये कि अभी निकल रहा है, ठीक है, बाकी जो आइटम हाँ उस पर चलते हैं अभी। हाँ भी फाद, ये आगे हम विदेशी लग गए हैं, सालन के हैं जी बिल्कुल। ये क्या है, इसे क्या बोलते हो तुम लोग? ये हमारी ये बनीनो खल और कड़वी खल, खल बनोला कड़वी खल है। बाकी ये क्या है, ये आपने काजू है और ये क्या है? ये एक पिस्ता, ये काजू है और काजू का ग्लैंड हुआ है और पिस्ता का ग्लैंड हुआ है। ये देखिए अभी काजू, इसको बोल रहे नजर आएगा आपको, ये काजू है, रुक जाओ, हाँ सही है, ये काजू है, ये हमारा पिस्ता है, पिस्ता है, पिस्ता, हाँ, कोई पहचान ही नहीं सकता, कोई बोल ही नहीं सकता कि ये पिस्ता नहीं है। अच्छा, पिस्ता नहीं है वो, मेरे पास आया मैं खा के दिखाऊंगा। अच्छा भाई, चलो भाई, सबको पता है हमारी चोकर है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ये हमारे चारों मगज है, हाँ ये भाई जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया, हमारे चारों मगज आ गए, ठीक है जी, ये हमारा डीसी मिनल पाउडर आ गया, हाँ डीसी मिनल, ठीक है जी, डन हो गया, डन हो गया, ये हमारा पिसा हुआ खोपरा आ गया, नमक सही है, सालन में भी हंसबे जायका डालेंगे, सही है, सही है, ठीक है, कलर वगैरह तो आप देख चुके हैं, ठीक है जी, ये हमारा सोयाबीन का छिलका है, सही है, क्या बात है, हजम करेगा एंड टू एंड, हाँ बच्चों की सानी, हाँ सही है, ये हमारा भूसा पड़ा है, सही है, ठीक हो गया जी, हमारी छोटी बिछी कुत्तर बिछी पड़ी, हाँ सही है, ठीक है, चलो जी, चलो जी, बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो भाई, ओपनिंग कर दो भाई,
डालेंगे हम सबसे पहले इसके ऊपर। ठीक है भाई, सबसे पहले ये कि फाद अभी डाल रहे, चोकर डाल रहे और एक एक आप लोगों को दिखाते हैं जरा सेटिंग। लेयर बाय लेयर इसको बिछाएगा, सेट करेगा। आज कोशिश करना है ना मट्टी मट्टी कम से कम होता है। ये देखें जरा माशाल्लाह से। अच्छा वंडा, कितनी मिनट में लगा के फारिग कर दोगे फाद? सात से आठ मिनट लगेंगे बस। किस ट्रॉली पे ले जाओगे, किस पे लेके जाते हो? ट्रॉली की जरूरत ही नहीं है, ये मैं लोगों के लिए सवाल कर रहा हूँ मैं। हम कंधे पे लेके जाएंगे हमारी, इस पे इस्तेमाल करेंगे हम अपने हाथों का और अपने कंधे का। ये मैं मिक्स कर रहा हूँ। अरे हाय, वाह भी वाह। काजू और पिस्ता, काजू और पिस्ता। सही है जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चलो भाई, काजू और पिस्ता बस एक अभी लग रहा है भाई। ये जबरदस्त। ओहो, क्या बात है, बेहतरीन हो गया भाई। ठीक है, ढूंढ रहे ना वनडे में बनते हुए। ये अभी क्या हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, गुटाई हो रही है? ब्लेंड हो रहा ना भाई। हाँ मिक्स हो रहा है साथ साथ ही है। हाँ इससे में आएगा, इंसाफ है। हाँ इंसाफ सबके लिए। चलो भाई, ये हो गया मिक्स। अच्छा जी, चलो बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाह, चलो जी। क्या बात है, मैं ज़रा दूर से एक वो करूँगा, शॉट लूँगा आप लोगों के लिए। असल में धूल मिट्टी के तो मज़ा नहीं करेगा ना। माशाल्लाह, तीसरा खोपरा बेहतरीन हो गया। चलो जबरदस्त हो गया भाई। पट्टी भी बैग उल्टा कर दो। हाँ यहाँ से गिरा दे दोगे तो वो काम हो जाएगा। बेहतरीन हो गया। हाँ इसे उठा लो। अभी छलका लग गया भाई, जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। छलके लगते हैं वैसे, वो है बड़ा खूबसूरत लगते हैं बिछाते हुए। हैं ऐसी बात है, काम का रूल है, ऐसे ही है। चलो जी, अभी शोरमा मिक्स होगा आखिर में। सबसे आखिर में ये मिक्स होगा कोरमा। हाँ अभी फायदा, आखिर में क्या कर रहे हो भाई? आखिर में डालूंगा कोरमा। कोरमा अभी डाल रहा हूँ, बिरयानी में चावल। बिरयानी में चावल मसाला बनाया हुआ है। हाँ सही है। हाँ मसाले के बाद सब कुछ मसाला तैयार कर दिया, अभी इसमें डालना चावल। अच्छा, चावल के ऊपर बाद डालना है कोरमा। हमारी तय वाली बिरयानी जबरदस्त हो गया। तय वाली बिरयानी बेहतरीन हो गया। खाई होगी तय वाली बिरयानी, खाते ही हैं। ऐसा ही है। चलो भाई बिस्मिल्लाह करो। अच्छा भाई, तो ये कि बिरयानी में लग गए चावल, लग गए चावल, लग गए बिरयानी के लिए, सॉरी बिरयानी में नहीं। हाँ बिरयानी के लिए चावल है, उबले चावल है ये। अच्छा बिरयानी के रंग डालोगे आखिर में? सफेद रंग डाल रहे हो तुम? क्या आखिर में रंग डाल? जर्दे का रंग डालते हैं, सफेद रंग डालते हैं। अच्छा भाई सही है। चलो बिस्मिल्लाह करो, देखो जरा ये चावल ज्यादा हो गए। कितने लोगों के चावल हैं ये? चावल है हमारे 24 हमारे बड़े बच्चे हैं। हाँ सही है। हाँ और उसमें तीन छोटे बच्चे हैं हमारे। ठीक है। हाँ सही है। सही है भाई, सही है सही है। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह से। जो ज्यादा आप बोल रहे मेरे हिसाब से आधे घंटे में खोले आप देख लीजिएगा। अच्छा खोलों के ऊपर कुछ नहीं नजर आएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बने होंगे और कुछ भी नहीं होगा। सही है भाई सही है, जबरदस्त हो गया। मतलब की ये की तो वो वंडा मतलब की वो कर एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा भाई दोस्तों, खैर ये जो वंडा जो एक आप लोगों ने अभी जो देखा है ना, ये तो है गर्मी के हिसाब से। इंशाल्लाह अभी सर्दियों में आइटम अभी हम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कुछ चंद आइटम के ऊपर हमें काम करेंगे। चलो भाई
कोरमा लगी चिकन के वो है यार भाई तैयार है बीफ है चिकन नहीं खाते अच्छा हां बीफ बीफ हां अपने बच्चों को बीफ खिलाते हैं और मटन खिलाते हैं चिकन चिकन नहीं खिलाते सस्ती है अच्छा भाई ये नजर आ रहा होगा आपको ये खल सरसों और खल बनोला बिल्कुल रेडी है जबरदस्त हो गया अच्छा भाई इसका नाम कोरमा है थोड़ा सा नमक भी गाइस में बस अच्छा हमने ऊपर डाला है ना हाँ डाला है डाला पूरा वहाँ गुजारा हो जाएगा चलो जी हो गया चलो भाई हो जाए भाई वो डब्बे वाली गाने कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो वहाँ ध्यान चलेगा कोरमा डालो कोई मैं डल रहा भाई हूँ ये देखिएगा ज़रा वहाँ पे जो है वो यासीन वो जगह की सफाई पे लगा हुआ है यहाँ पे कोरमा रेडी हो रहा है ज़बरदस्त और तेरी खैर ये जब इससे मुझे यहाँ से हटाया था सारा कि नॉन भी आप ही जगह ज़रा छोड़ दें स्विच करिए तो मेरा हाथ चलता है वहाँ से बहुत तरीका है अपने आसपास दिखा दिए भी है ना हाँ करीब करीब वाली क्या बात है बहुत तेरी खैर ज़बरदस्त हो गया भाई ज़बरदस्त हो गया काम हो गया ड्रम वहाँ चलो भाई काम हो गया तड़का है ये वो कलर है कलर है बिरयानी ये वो है ना हमारा सर्दे का रंग डालते हैं ना हाँ ये वाइट रंग है चलो भाई हो जाए चलो भाई तड़का डल रहा है रंग डल रहा है भाई ठीक है खैर ये है डीसीबी और मिनरल पाउडर है ठीक है ना ये वंडर लगता है लेयर बाय लेयर लगता है इसकी वजह से उसे वो ये होती है ताकि हर जानवर को वो बराबर चीज़ें मिलें ठीक है किसी के भी साथ के नाइंसाफ़ी ना हो बिस्मिल्लाह करो अभी फाद हो गया अभी बिरयानी अब ये मिक्स करोगे बिरयानी कौन मिक्स करता है बंदा मैं मिक्स करता हूँ कभी वो भी मिक्स करता है कभी नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि बिरयानी की कौन मिक्स करता है वैसे जो हम जो है बिरयानी तो हर कोई मतलब मिक्स नहीं हो रही है हाँ जैसे हम पकवान पे बनी बनाई एक डेग लेने जाते हैं हाँ उसे हिलाते हैं कबगीर चला के देता है हाँ सही है हाँ कबगीर चला के देता है या तो फिर उसको फेंट के देता है हाँ तो ये भी वो एक हो अच्छा चलो हो किलो की डेग होती है ये माशाल्लाह 36-36 सही है चलो भाई बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह खैर ये तमाम जो आइटम है ये एक आप लोगों के सामने लगे हुए देखे माशाल्लाह से एक ही बिल्कुल निपटा दिया भाई क्या बात है अभी लगते भी देखने आप लोगों ने असल तो मज़ा उसी का है असल पैसे उसके हैं फाद असल पैसे उसके हैं भाई ठीक है भाई ये ज़बरदस्त हो गया है तकरीबन मेरे हिसाब से ये आधे से कम इसने अभी जो है वो वंडर्स ने भी काट लिया माशाल्लाह पहाड़ियाँ बना दी हैं भाई ये मिक्स करते रहते हैं एक एक जगह को तीन तीन चार चार बार मिक्स करके उसे चलाते हैं ऊपर ना ये क्या बात है खैर ये एक आप लोगों के सामने ये है ये सारा का सारा देसी वंडा है भाई जो अगर भाई अगर ये कहते हैं कि भाई इसमें अगर अभी भी फीड मौजूद है तो भाई ज़रा मुझे बताइएगा ठीक है मेरी सलाह कीजिएगा बाकी वंडा आप लोगों के सामने है हाँ विफात ये देख लें भाई सही है नुमान भाई वंडा बिरयानी आई मीन बिरयानी हमारी मिल चुकी है सही है बिल्कुल तैयार है पतीले आगे रखे हुए भरना है और इनको देना चलो हो जाए बिस्मिल्लाह करो भाई खड़े में मेरे साथ यासीन भाई और मेरी छंगे इसमें हैं हाँ यासीन तो यार आधा भी नींद में है ये तो चलो भाई बिस्मिल्लाह चलो भाई यासीन भाई बराबर निकलना है कि वो जाके पता चले हाँ भी मैं कि कौन पे जा रहा है लॉन्ग शॉट ले रहा हूँ हाँ फाद ये ना ज़्यादा भरोगे तो ये गिरने के चांसेस हैं ये भाई ये फटाफट गए बच्चे ये तो कह रहे एक ही करके रख के लेके जाते हैं मैं तो खैर इन लोगों को बोलता हूँ कि भाई ट्रॉली दी हुई है हर चीज़ दी हुई है तो कंधे पे क्यों रख के लेके जा रहे हो चलो भाई फाद आ जाओ यासीन की बैटरी भी डाउन हुई है या अभी भी उठे हैं नवाबजादे सो के उठे चलो भाई फाद बिस्मिल्लाह ये तो आगे बेटा तेरी बैटरी डाउन लग रही है सेल वीक तो नहीं होगा यासीन
ये आ गया यासीन भी लग रहा है कि अब खैर ये तरीका का मतलब कि समझे कि वरना हमारा समझे कि कुछ 6-7 मिनट के ऊपर वरना हमारा गायब हो जाता, ख़त्म हो जाता हमारा ना बंडा। तो खैर लगा दिया। अब ये भी एक ना आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है वो जानवर कितने शौक से बंडा उठा रहे हैं, ये देखें ज़रा, ठीक है ना। बच्ची लगना शुरू हो गया है, ये देखें, ये फाद लाला के लाला ही लाला के गिरा रहे हैं, डाल रहे हैं, बेहतरीन हो गया भाई। ये भागेगा भी देखना ज़रा, ये भागा, मतलब कि वनडे वाला जो है सारा काम वो पूरा हो गया, सही है ना। अच्छा भी दोस्तों, खैर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वनडे वाली वीडियो पसंद आएगी। और ये है कि जो लोग मुतमईन अगर हो गए हैं और जानवर पलाई के ऊपर देना चाहते हैं तो स्लॉट्स खैर इस टाइम के ऊपर अवेलेबल हैं। और वो लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा भाई, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03032544477।